right here. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग द टॉक टॉक शो ऑन एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका हाजरा यामीन। ड्रामों में कैसा दिखती हैं ये बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल। अस्सलाम वालेकुम, हाजरा यामीन को जानती हैं? आज हमारी गेस्ट हैं एक्सप्रेस चैनल। जी जानते हैं। इनकी एक्टिंग कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छी एक्टर है। इनके ड्रामे भी बहुत अच्छे आते हैं। इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। अच्छी लगती है मुझे। अच्छी है, इट्स प्रीटी गुड। अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह से अच्छा करती है। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग। इनके इतने रोने वाले ड्रामे क्यों होते पहले मुझे? हर ड्रामे में रोती बहुत है। इनका जो भी कैरेक्टर होता है वो रोने वाला बहुत क्यों? बहुत संजीदा होता है। काफी अच्छी लगती है। मैंने ऐसा इनको इतना देखा नहीं है, इस वजह से मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। अच्छा ये बताइए किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा प्यारी दिखती है? खुद ही इतनी प्यारी है, सबके साथ अच्छी। इमरान अब्बास, अली अब्बास के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। जुनैद खान के साथ इनका एक ड्रामा है, सबके साथ ही अच्छी दिखती है। इतना मैंने गौर नहीं किया, आइडिया नहीं है। मे बी फरोज खान। हाँ चली, मुझे तो मिकाल जुल्फिकार पसंद है, तो उसी के साथ कर ले। तकरीबन सबके साथ ही अच्छी लगती है। जुनैद खान। आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? आउट ऑफ 9। 6। 7.5। 9.5। 10 आउट ऑफ 10। 8। 9। 8। 7। लाइक 10। 10 आउट ऑफ 8। 10 में से 10। 9। पॉजिटिव रोल में ज्यादा अच्छी लगती हैं या नेगेटिव? आई थिंक पॉजिटिव रोल ज्यादा सूट करते हैं। चलें, आप इनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? माशाल्लाह से ये बहुत खुद ही बहुत प्यारी हैं, मैं क्या एडवाइस दूं इन्हें? एक्टिंग अच्छी है, बगैर आप अभी ड्रामाज में नहीं आ रही, तो मैं चाहती हूँ कि आप आए ताकि हम आपको देखें। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का। एक बार मैं आपसे मिलूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी संजीदा इनको बोले, मुस्कुराती रहा करें, जो कर रही है अच्छा काम कर रही है। ज्यादा ड्रामे नहीं देखे इनके मैंने, बस एक दो ड्रामे ही देखे होंगे। थोड़ा सा बालों को अपना समेट लें बस, ये थोड़ा सा अक्सर इनके बाल खुले होते हैं ना ड्रामों में, तो थोड़ा सा समेट लें ये बाल। थैंक्स योर ओपिनियन। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं हाजरा यामीन के लिए, और मिलते ही रहेंगे क्योंकि आप हैं ही इतनी अच्छी। स्वीट, हु इज दिस गाय? सरफराज। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। हाजरा, इतना ओवरवेल्मिंग फीडबैक, इतनी तारीफें यार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत स्वीट है। दो मैंने नोटिस की बातें जो दो कंप्लेंट्स आई, एक है कि बालों को जरा समेट ले, और एक उन्होंने कहा रोने धोने के रोल ना करें। हाँ, इस फीडबैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बालों के बारे में तो ऑब्वियसली लाइक आई विल ट्राई, आई विल लिसन टू इट। नहीं, बट समेट लें क्या, मतलब क्या करें उनको? बिकॉज़ आई हैव अ बिग हेड। यू डू, बट कैसे समेटें बाजी, क्या चाहती हैं आप? चलो, मतलब कभी बांध लिए कुछ कर लिए। नहीं नहीं, क्यों बाजी, क्यों आप ऐसे क्यों उनके बाल? इट वाज एन इनोसेंट रिक्वेस्ट। तमीज से बात करे तो मैं क्यों नहीं बात सुनूंगी उनकी। वेल, हाजरा की इस बात पे तालियां, ये अच्छी बात है। ये आपने एक और लेसन दिया है कि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है और अच्छे तरीके से, मुहज्जब तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से दे रहा है, तो उसको एम्ब्रेस करें। हाँ, व्हाई नॉट। तो दूसरा था कि रोने धोने वाले। हाँ, ये अच्छा, नहीं मैंने कम्प्लीटली ही रोने धोने वाले नहीं किए कुछ। जैसे सेवक का कैरेक्टर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, जर्नलिस्ट प्ले किया आपने। हाँ, मोहब्बत छोड़ दी का कैरेक्टर था रोने धोने वाला, लेकिन शी वाज आल्सो अ स्ट्रांग वुमन। जलन में भी आपका कोई ऐसा रोने धोने वाला नहीं था? मेरे अपने में था एक्चुअली, उसमें थोड़ा रोने धोने वाला था, तो आई थिंक वो काफी बैलेंस रहा है। शायद इत्तेफाकन उन्होंने सिर्फ रोने धोने वाले देखे। हाँ, so do you also feel restrained in the terms of the offers that you get often? Ya aapko lagta hai ki offers aati hain, aap वैसे कोई और किसी और बुनियाद पे आप नहीं कर पाते? नहीं हसन, to be honest with you, हमारी line of work में to say no is very difficult. जी, लोगों को लगता है कि अच्छा अगर अगला बंदा मना कर रहा है तो वो बहुत aggressive हो रहे हैं, और पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। But I think in an industry जहाँ पे because of you know this economic crisis already काम जब इतना कम हो गया है, और आपको उसमें अगर आपको कोई script अच्छा ना लगे, and if you say no to it, तो it doesn't feel nice, you feel scared, but at the same time, और ये भी है ना, sorry आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आप ना कर देते हैं तो वो अगली बार फिर phone भी नहीं करते। वो तो अना का ego का मामला बन जाता है ना, but ये कि at the same time I'm thinking about my portfolio. तो इसलिए मैं आई डोंट लाइक टू टेक अ रिस्क व्हेन इट कम्स टू माय पोर्टफोलियो एज एन एक्टर।